आज के प्रशिक्षण सत्र में हम सी के जो फर्स्ट अनुसूची है फर्स्ट शेड्यूल है दंड प्रक्रिया संहिता उन्नीस का हम इसके बारे में पहले जानेंगे इसमें जो अपराध हैं उनका वर्गीकरण किया गया है कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो दस्तानंदाजी हैं कॉग्निजेबल हैं जिन्हें संगेय अपराध कहते हैं और कुछ नॉन कॉग्निजेबल अपराध हैं जो गैर दस्तानंदाजी हैं असंगे अपराध कहलाते हैं इन दोनों का अंतर क्या है असंगे अपराध ऐसे अपराध हैं जिनमें पुलिस बिना किसी वारंट के मजिस्ट्रेट से वारंट लिए बिना गिरफ्तार नहीं कर सकती दूसरा इसमें इन्वेस्टिगेशन भी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के नहीं कर सकते हैं इसमें बड़ा स्पष्ट इस उन्होंने लिखा हुआ है इंग्लिश में कहते हैं कि नॉन कॉग में कि ए पुलिस ऑफिसर शेल नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट किसी सूरत में उसको गिरफ्तार नहीं करेगा अगर केस जो है कॉग्निजेबल है और यदि वो कॉग्निजेबल केस है तब आई यू मे अरेस्ट तो ये प्रावधान है और ये अंतर है संगे और असंगे अपराधों के बीच में बहुत सारे अपराध ऐसे हैं इस अनुसूची में जो असंगे अपराध की कैटेगरी में है अब उनकी जो रिपोर्ट है वो थाने पर कैसे लिखी जाएगी आज मैं इसके बारे में बताऊंगा। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि एफ पंजीकरण के लिए क्या क्या शर्तें आवश्यक हैं धारा एक सौ के अंतर्गत एफ लिखी जाती है जो संगे अपराधों की है लेकिन अगर कुछ अपराध जिनके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा यदि वो असंगे अपराध हैं तब कैसे उसकी रिपोर्ट लिखी जाए तो इस संबंध में धारा 155 जो सीआरपीसी की है ये महत्वपूर्ण है इसमें पूरी प्रक्रिया लिखी हुई है कि किस प्रकार से असंग अपराधों की रिपोर्ट दर्ज की जाएगी यदि किसी थाना प्रभारी को ऑफिसर इंचार्ज और पुलिस स्टेशन को यदि कोई ऐसी सूचना मिलती है कि उसके क्षेत्र में उस थाना क्षेत्र में कोई असंग अपराध घटित हुआ है तब वह उसकी रिपोर्ट जी में अंकित करेगा और एक एन की चिक काटी जाएगी और अब जो एन का हमारा पोर्टल है उस पर जाकर एन की रिपोर्ट दर्ज की जाएगी और उसकी एक कॉपी निशुल्क ये इन्फॉर्मेंट को दे दी जाएगी और उसमें बताया जाएगा कि उसकी आगे इस केस की चारा जो वो न्यायालय में जाकर करेंगे न्यायालय में जाकर उसको वो रजिस्टर करा सकते हैं साथ ही वो ये भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं मजिस्ट्रेट से कि इसमें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दी जाए साधारणतया सभी मजिस्ट्रेट जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं जिनका जुडिसडिक्शन होता है वे इस रिक्वेस्ट पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर देते हैं और जैसे ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन का आदेश मजिस्ट्रेट से प्राप्त होता है अब जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको वो सभी अधिकार मिल जाते हैं जो एक संगे अपराध में करते हैं जैसे एफआईआर पंजीकरण में जो प्रक्रिया होती है उसी प्रकार से इन्वेस्टिगेशन आयु के द्वारा शुरू कर दी जाती है और इसमें लेकिन गिरफ्तारी नहीं कर सकते संघे अपराध में बिना वारंट के गिरफ्तारी की जा सकती है इन्वेस्टिगेशन के दौरान लेकिन असंघे अपराध में यदि गिरफ्तारी करने का कारण बनता है जो एक्यूज है उसको दोषी माना जाता है तब आईओ को चाहिए कि वह मजिस्ट्रेट से वारंट जारी कराए और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी करे इसमें एक प्रावधान हो रहा है कि यदि कुछ धाराएं संघीय अपराध की हो सकती हैं किसी केस में कुछ असंघीय अपराध की हो सकती हैं तो ऐसे मामलों में उस केस को अगर दोनों उसमें है कॉग्निजेबल भी है नॉन कॉग्निजेबल भी हैं तब उस केस को कॉग्निज़ेबल केस की तरह ही इन्वेस्टिगेट किया जाएगा यानी कि संगे अपराध अर्थात इसमें बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर सकते हैं पुलिस और बिना किसी आदेश के गिरफ्तारी कर सकती है तो ये बिंदु मैंने बताए हैं संगे और असंगे अपराध के प्रति तो आपको धारा एक सेक्शन 155 फिफ्टी ये नॉन कॉग्निजेबल केसेस के रजिस्ट्रेशन के लिए और किस प्रकार से उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी इसके बारे में मैंने बताया है अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि कौन कौन से केसेस हैं जो असंग अपराध की श्रेणी में आते हैं और क्यों आते हैं इसके बारे में भी मैं प्रकाश डालूंगा थाने के भार साधक अधिकारी को जब भी इस प्रकार की सूचना मिलती है कि उसके थाना क्षेत्र में कोई अपराध घटित हुआ है अब उसमें जो एप्लीकेशन लिख कर आती है उसमें पूरी घटना का वृत्तांत होता है अब उसमें यह तय करना होगा कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं कई बार इसको डिस्टिंक्टली या आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ये कई बार कठिन कार्य है बीच में कुछ ऐसी इस तरह के केसेस आएंगे जिनमें आप ये नहीं जान पाएंगे कि ये कॉग्निजेबल की श्रेणी में आएगा या नॉन कॉग्निजेबल में आएगा या अपराध क्या क्या अपराध सृजित होता है अगर ऐसी दुविधा आती है तो इसके लिए एक रूलिंग हम बताते हैं कि उसके बारे में लोगों को जानकारी देते हैं इसमें ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार इसमें यह कहा गया है कि किसी भी केस की एफ़आईआर पंजीकृत की जाएगी लेकिन कुछ केसेज ऐसे हैं कि जिनमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जा सकती है उसमें यह जानने के लिए कि क्या अपराध बनता है और उसकी कुछ श्रेणियां दी हुई हैं कि जैसे मेडिकल नेग्लिजेंस से संबंधित कोई मामला है आपसी घरेलू कोई मामला है वैवाहिक संबंधों का मामला है तो इस प्रकार के का जो मामले हैं उनकी लिस्ट दी हुई है ऐसे मामलों में प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन या प्रारंभिक जांच की जा सकती है इसका प्रावधान ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में दिया गया है और उसके बाद अगर लगता है जो भी अपराध बनता है उसके आधार पर एनसीआर या एफआईआर पंजीकृत की जाती है इस प्रकार के अपराध जो एसंग अपराधों की श्रेणी में आते हैं इसके बारे में बताऊंगा कि ये कहाँ कहाँ पर आए हैं इसमें हमारे जो इंडियन पिनल कोड है वर्ष 1860 भारतीय दंड संहिता उसके अध्याय पांच ए में अगर हम जाते हैं तो उसमें है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120 बी ये सेक्शन है 120 बी तो इसमें ऐसे केसेस जो डेथ सेंटेंस से या लाइफ इंप्रिजमेंट से जो दंडित किए जा सकते हैं ऐसे मामलों की अगर कोई कॉन्स्पिरेसी करेगा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में उसमें जो केस बनता है तो वो कॉग्निजेबल है लेकिन अगर अन्य कोई कॉन्स्पिरेसी है जिसमें कम सजा का प्रावधान है तब वह नॉन कॉग्निजेबल की श्रेणी में आएगा इसके बाद अध्याय नौ चैप्टर नंबर नाइन इसमें कुछ ऐसे अपराध हैं जो धारा एक सौ बी एक सौ ये सभी अपराध पब्लिक सर्वेंट से संबंधित हैं दफेंसिस रिलेटिंग टू द पब्लिक सर्वेंट्स तो ये ऑफेंसेस ऐसे हैं जो नॉन कॉग्निजेबल श्रेणी में आएंगे क्योंकि इनमें सजा कुछ में एक वर्ष है और कुछ में दो वर्ष है इस तरह के सजा के प्रावधान हैं जैसे पब्लिक सर्वेंट के द्वारा ट्रेडिंग करना पब्लिक सर्वेंट के द्वारा प्रॉपर्टी खरीदना और इसमें प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट भी हो सकती है इस तरह का इसमें प्रावधान दिए गए हैं तो यह है चैप्टर नौ और इसकी धारा एक सौ छियासठ एक सौ छियासठ बी एक सौ अड़सठ एक सौ उनहत्तर आई पी सी ये सभी नॉन कॉकनी धाराएं हैं इसके बाद चैप्टर दस चैप्टर नंबर टेन अध्याय दस आ जाता है जिसमें कंटेम्प्ट लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स के बारे में है कोई अगर उसकी अवमानना करता है पब्लिक सर्वेंट्स की जो लोक सेवक हैं उनकी बात को नहीं मानता है उनके जो लॉफुल ऑर्डर से उनको मानने से इनकार करता है तो ऐसे मामले भी कुछ नॉन कॉग्निजेबल श्रेणी में आएंगे जिसमें 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, उसके बाद 189 और 190. इसमें बहुत सारे ऐसे हैं कि कोई व्यक्ति अगर समन तामिला से मना करता है अपने ऊपर समन नहीं लेता या कोर्ट से कोई सफीना जारी किया गया है या थाने से सफीना जारी किया है ये सफीना एक ऐसा आदेश होता है कि जिस पर व्यक्ति को भेजा जाता है बयान के लिए तो उसको आना चाहिए लेकिन यदि जो स्थान और जो समय दिया है उसमें वो आईए कोई समक्ष या कोर्ट के समक्ष पेश नहीं होता सफीना का अनादर करता है तो उसको दंडित किया जा सकता है इसी प्रकार से यदि कोई समन नोटिस इस प्रकार जारी होते हैं उनकी अवमानना करता है तो इन सभी धाराओं में एन का प्रावधान है कई बार जो बयान होते हैं यहाँ किसी व्यक्ति के और पब्लिक सर्वेंट उसको कहता है कि इस पर हस्ताक्षर बनाइए या ओथ लेकर कुछ जगह आपको बयान देना होता है अगर ये सब मना करता ओथ लेने से मना करता तो ये अपराधों का सृजन होता है जो नॉन कॉग्निजेबल श्रेणी में आएंगे इसके लिए भी एनसीआर पंजीकृत उसी पब्लिक सर्वेंट को करानी होगी जिस पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर की अवहेलना की जा रही है इसके बाद चैप्टर इलेवन है अध्याय नंबर ग्यारह है जिसमें फॉल्स एविडेंस के बारे में जो ऑफेंसिस अगेंस्ट द पब्लिक जस्टिस लोक न्याय के विरुद्ध अगर कोई इस प्रकार के बयान देता है कोई गवाही देने में गलत गवाही देता है तो ऐसे जो केसेस हैं उसमें भी कुछ नॉन कॉग्निजेबल केसेस हैं जैसे धारा एक सौ तिरानवे एक सौ चौरानवे एक सौ चौरानवे में फैब्रिकेटेड एविडेंस अगर कोई देता है गलत एविडेंस देता है और किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिल जाता है तो ऐसे केसेस में है ये नॉन काग्नीजेबल केस लेकिन इसमें भी मृत्युदंड का प्रावधान है डेथ सेंटेंस भी दिया जा सकता तो नॉन काग्नीजेबल में या कम सजा से लेकर एक माह की सजा से लेकर और कुछ फाइनेंशियल जो फाइन के जो जुर्माने के मामले हैं उनसे लेकर मृत्यु दंड तक का प्रावधान है तो ये केसेस में अंतर केवल रजिस्ट्रेशन का और इन्वेस्टिगेशन का और अरेस्ट का अंतर है अन्यथा सजा के मामले में इसमें भी कई ऐसे मामले हैं जिनमें बहुत ही सिवियर पनिशमेंट दिया जाता है धारा एक सौ छियानवे एक सौ सत्तानवे एक सौ अट्ठानवे दो सौ दो, दो सौ एक दो सौ चार आई पी सी की ये सभी धाराएँ इनमें भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है और इसमें कई ये एविडेंस को टैंपर करने के संबंध में है एविडेंस जो दिए जाते हैं किसी भी जुडिशियल प्रक्रिया के दौरान उसके अंदर अगर कोई गड़बड़ी करता है तो ये सब धाराएं लागू होती हैं और इसमें नॉन कॉग्निजेबल केस दर्ज किया जाता है चैप्टर ग्यारह में ही जो अध्याय ग्यारह है इसमें मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध जो धाराएं हैं उसमें धारा 205 सौ के संबंध में जिसमें तीन वर्ष की सज़ा है 206 207 208 209 210 211 जिनमें दो वर्ष की सज़ा है और 214 स्क्रीनिंग ऑफेंडर्स फिर 217 पब्लिक सर्वेंट जो है वो डिसोबे करता है अगर और इसमें गलत रिपोर्ट देता है इसी प्रकार से 219 फिर 223 224 ये आईपीसी की धाराएं है, ऐसी हैं जिसमें 224 सौ चौबीस है ये कैदी के ऊपर लगती है और 223 सौ अमूमन आप देखते हैं कि जैसे हमारे आरक्षी हैं जो कैदी को पकड़ कर लेकर जाते हैं कोर्ट में पेश करते हैं और लगा उनको उनकी उपेक्षा से वो भाग जाता है तो दो सौ का मुकदमा पंजीकृत करते हैं लेकिन ये नॉक कॉग्निजेबल केस है एक धारा है 228, धारा 228 सौ ये कोई भी लोक सेवक जो कोर्ट के अंदर बैठा हुआ अगर उसका कोई अपमान करता है उसको गलत बात कहता है उसके काम में बाधा डालता है तो ये धारा लग जाएगी दो लेकिन ये भी नॉन कॉग्निजेबल है इसमें छः माह की सजा का प्रावधान है चैप्टर थर्टीन तेरहवा हध्या है यह है ऑफेंसेस रिलेटेड टू वेट एंड मेजर्स जो बाट माप इंस्ट्रूमेंट इनके संबंध में है इसमें धारा दो सौ चौंसठ दो सौ पैंसठ दो सौ की धाराएं ऐसी हैं जो बाट मार ये इंस्ट्रूमेंट्स के संबंध में है अगर उसमें कोई गड़बड़ी करता है तब नॉन कॉग्निजेबल केस दर्ज किया जाएगा चैप्टर चौदह फोर्टीन जो चैप्टर है इसमें दिया हुआ है कि ऑफेंसेस रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ डिसेंसी मोरलिटी कन्वीनियंस इनसे संबंधित मामले अभी आपने देखा होगा कि जब कोरोना के समय में कुछ लोग ऐसे थे जो आदेशों को नहीं मान रहे थे और उनके कारण जो कोरोना फैलाने में वो सहायक हो रहे थे इन्फेक्शन को फैला रहे थे ऐसे लोगों पर मुकदमे पंजीकृत किए गए थे वो इसी अध्याय के अंतर्गत कुछ एन थी और कुछ इसमें एफ लिखी गई थी जैसे धारा दो सौ उनहत्तर दो सौ सत्तर आई पी सी वायुमंडल को दूषित करना कोई व्यक्ति जैसे प्लास्टिक या कोई ऐसा ज्वलनशील पदार्थ जो प्रदूषण फैलाएगा उसको जला देता है गली मोहल्ले में अब पुलिस उसमें सीधे संज्ञान नहीं ले सकती उसका नॉन कोग्निजिबल एन उसमें ही लिखी जा सकती है ऐसे मामलों में और इसके साथ ही दो यह है तो कमिटिंग पब्लिक न्यूसेंस अगर कोई पब्लिक न्यूसेंस फैलाता है तो दो सौ उसका जुर्माना है और कोई लॉटरी का ऑफिस खोलता है तो दो सौ चौरानवे ए ये ऑफेंस बनता है ये भी नॉन कोग्निजिबल है अगला अध्याय पंद्रह चैप्टर नंबर फिफ्टीन इसमें ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन धर्म से संबंधित जो मामले वो हैं जिसमें धारा दो सौ अट्ठानवे है धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना बाई साउंड कोई ऐसे शब्द बोलता है जिससे किसी की धार्मिक भावना आहत होती है तो इस एक वर्ष की सजा का प्रावधान है और इसमें भी एन पंजीकृत किए जाएगी आई का चैप्टर नंबर सोलह और चैप्टर नंबर सत्रह चैप्टर नंबर सिक्सटीन चैप्टर नंबर सेवनटीन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आईपीसी में इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण अपराध है जो हमारा चैप्टर नंबर सोलह है उसमें अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी जिसमें ऑफेंसिज अगेंस्ट बॉडी किसी को मार देना पीट देना चोट न मारना एक्सीडेंट करना ये तमाम ऐसे केसेज हैं लेकिन इनमें भी कुछ ऐसे हैं जो नॉन कॉग्निजेबल केसेज हैं जैसे धारा तीन है कॉजिंग मिस कैरिस गर्भपात कराना अगर कोई गर्भपात बिना महिला की सहमति के करता है तब वो कॉग्निजेबल हो जाएगा लेकिन अगर महिला की भी सहमति है तब इसमें ऑफेंस बनेगा तीन और अगर महिला की सहमति नहीं है तो तीन आईपीसी का अपराध बनेगा जो कॉग्निजेबल है फिर साधारण चोट पहुंचाना वॉल्ट्रिली कॉजिंग हार्ट ये तीन आईपीसी है ये भी नॉन कॉग्निजेबल है उसके बाद तीन सौ असॉल्ट करना हमला करना हमलावर होना ये जो है ये केस भी तीन की श्रेणी में आएगा तीन सौ फिर उसके बाद में हमारा चैप्टर सेवनटीन शुरू होगा इसके बारे में चैप्टर सेवनटीन अध्याय सत्रह आईपीसी इसमें ऑफेंसेस दिए गए हैं अगेंस्ट प्रॉपर्टी जिसमें कुछ अपराध ऐसे हैं जो नॉन कॉग्निजेबल हैं अधिकांश वैसे इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं लेकिन जो नॉन कॉग्निजेबल है उसमें आएगा सबसे पहले चार सौ सत्रह आई पी सी चीटिंग अपराध फिर चार सौ इक्कीस चार सौ बाईस चार सौ तेईस ये सभी चीटिंग से संबंधित ऐसे अपराध हैं जिनमें सजा एक साल से सा लेकर और दो साल तक है उसके बाद इसमें 426 आईपीसी है जो मिसचीफ का मामला बनता है जिसमें तीन महीने की सजा है और 427 में आईपीसी में दो वर्ष की सजा है तो ये सभी मामले ऐसे हैं जो नॉन कॉग्निजेबल हैं इसमें चार आईपीसी, चौंतीस ये बहुत ही महत्वपूर्ण आईपीसी की धारा है चार जैसे लेखपाल द्वारा अगर मार्किंग कर दी गई है उसमें पत्थर लगा दिए गए हैं मार्क लगा दिए गए हैं और कोई उनको तोड़ता है हटा देता है तो तब अपराध सृजित हो जाएगा चार आईपीसी का लेकिन ये नॉन कॉग्निसेबल है इसमें एक वर्ष की सजा है इसी प्रकार एक अपराध है चार जिसमें हाउस ट्रेस आता है अगर किसी के घर में अतिक्रमण करते हैं घुस जाता है कोई व्यक्ति और ये ऐसा ऑफेंस करता है जो पनिशेबल विद डेथ है तब इसमें चार सौ उनचास धारा लग जाएगी और इसमें दो वर्ष की सजा का प्रावधान है आईपीसी का चैप्टर नंबर एटीन अध्याय अठारह ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है इसमें आते हैं ऑफेंसेस रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स एंड प्रॉपर्टी मार्क्स इसमें जो धारा चार सौ पैंसठ जिसमें दो वर्ष की सजा है चार सौ छियासठ सात वर्ष की सजा है और चार सौ सड़सठ जिसमें लाइफ इनप्रिजनमेंट है उसके बाद फोर का अपराध आता है जो हमारा ये सारे जितने भी ये फोरजरी के अन्य अपराध हैं वो काग्निजेबल की श्रेणी में आ जाएंगे जो चार सौ पैंसठ छियासठ सड़सठ ये नॉन काग्निजेबल है उसके बाद चार सौ सतहत्तर आई पी सी ये भी बहुत महत्वपूर्ण है अगर कोई व्यक्ति किसी की विल जो विल लिखी है उसको ऑल्टर कर देता है डिफेस कर देता है या नष्ट कर देता है तो तब अपराध बनेगा चार सौ सतहत्तर आई पी सी का इसी चैप्टर में धारा 477 ए यह भी आईपीसी की धारा नॉन कॉग्निजेबल है इसमें फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स अगर कोई कूट रचित करता है अकाउंट्स को जो लेखा जोखा है उसमें कूट रचना करता है तब वो 477 ए की परिधि में आएगा फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क करने से जो संबंधित धाराएं हैं वो हमारी चार सौ बयासी चार सौ तिरासी आई और इसी प्रकार से काउंटर फिटिंग करने में चार सौ चौरासी चार सौ पिचासी ये पब्लिक मार्क्स में अगर कोई काउंटर फिटिंग करता है नकली पब्लिक मार्क लगाता है तब ये धाराएं प्रभावी होंगी और इसमें भी एन लिखी जाएगी चार सौ पिचासी चार सौ छियासी चार सौ सतासी ये अगर कोई गुड्स को बेचता है जिस पर फॉल्स मार्क लगे हुए हैं प्रॉपर्टी मार्क गलत तरीके से लगाए गए हैं तो तब ये चार सौ चौरासी पिचासी छियासी की श्रेणी में आ जाएगा ये अक्सर जो ट्रेडिंग लोग करते हैं उनसे संबंधित है जो दुकानदार लोग हैं तो उसमें ये धाराएं एनसीआर की धाराएं हैं उसके बाद में अगर कोई डिफेस करता है प्रॉपर्टी मार्क जैसे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी किसकी है उसके मालिक का नाम लिखा हुआ अगर उसको कोई डिफेस करता तो धारा चार व चार लग जाएगी आई की और ये नॉन कॉग्निजेबल धाराएँ हैं ऐसी चार सौ नवासी भी बहुत ही महत्वपूर्ण है फोर एट नाइन आई इसमें जो नोट जैसे दस का नोट सौ का पाँच सौ का नोट ये था और इसमें अगर कोई नकली नोट उस जैसा दिखने वाला कोई कागज बनाता है नकली नोट बनाते हैं तो ऐसे व्यक्ति जो उससे जो एक जैसे दिखने वाले करेंसी की तरह के या बैंक नोट कोई उसी तरह का बैंक नोट दिखने वाला कोई डॉक्यूमेंट तैयार करता है तब ये धारा चार सौ नवासी आई पी सी के अंतर्गत आएगा जो कि एक गैर दस्तंदाजी अंदाजी अपराध है नाउ वी कम टू चैप्टर नंबर 19 अध्याय नंबर 19 आईपीसी इसमें हम देखते हैं कि धारा चार सौ इक्यानवे ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है अगर किसी व्यक्ति का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है जैसे कोई व्यक्ति असहाय है उसको सहायता देनी थी उसके लिए किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया और अब वो इससे मुकर जाता है तब धारा चार सौ इक्यानवे लगेगी अगर किशोरावस्था में बीमारी या चित्त विकृत होने के कारण जो असहाय व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं उनकी कोई पूर्ति नहीं करता तब ये धारा लगेगी अगर वो वॉलेंटरीली ही ओमिट्स टू डू सो तो तब ये धारा का प्रभावी हो जाएगी चार सौ इक्यानवे आई जो एन है आई का चैप्टर नंबर ट्वेंटी अध्याय नंबर बीस ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसमें पुलिस के पास महिला हेल्प डेस्क महिला पुलिस थाना और अधिकारियों के पास सबसे ज़्यादा शिकायत इस अध्याय से संबंधित ऑफेंसेस की आती है कि हमारी एफ नहीं लिखी जा रही इसमें कई सारे मामले ऐसे हैं जो नॉन कॉग्रिजेबल हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा जैसे ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज विवाह संबंधी अपराध इसकी धारा चार सौ तिरानवे अगर किसी व्यक्ति द्वारा पुरुष द्वारा छल के द्वारा किसी महिला को यह विश्वास दिला दिया गया कि वह उसका पति है लॉफुली मैरिड है जबकि वो है नहीं उसका पति नहीं है तब ये अपराध धारा चार सौ तिरानवे आई की श्रेणी में आएगा यदि उसने सहवास किया है उसके साथ रहा है उस स्त्री के साथ तब ये धारा लग जाएगी अगर उस स्त्री के द्वारा मुकदमा चार सौ तिरानवे आई में लिखा जाएगा लेकिन ये एक एन होगी एन के रूप में लिखा जाएगा धारा चार सौ चौरानवे ये बाईगैमी की धारा है अगर एक जीवित पत्नी के होते कोई दूसरी शादी करता है तब ये धारा प्रभावी हो जाएगी धारा चार सौ चौरानवे आई दूसरी शादी अगर कोई करता है और उसमें जिस महिला के साथ दूसरी शादी की है उसके साथ भी धोखा कर रहा है उसको बताया नहीं कि उसकी पहले वो शादी है पहले से ही तब उसमें चार सौ पिचानवे आई की धारा लगेगी ये भी नॉन कॉग्निजेबल धारा है और ऐसे बहुत से मामले पुलिस के समक्ष आते रहते हैं जिसमें चार सौ तिरानवे चार सौ चौरानवे चार सौ पिचानवे आई लगती है चार सौ सत्तावे आई की धारा ये भी काफ़ी पॉपुलर धारा है इसमें बहुत ज़्यादा इस तरह की शिकायतें मिलती रहती हैं ये एडल्ट्री से संबंधित है पर स्त्री गमन अगर कोई विवाहित होते हुए दूसरी कहीं आ, किसी पार्टनर के साथ जाते हैं तो इसको चार सौ सत्तावे आई के अंतर्गत वो एडल्ट्री का अपराध बढ़ेगा ये कर्म जिसमें पाँच वर्ष की सजा का प्रावधान है उसके बाद चार में में आता है एंटीसिंग और टेकिंग अवे ए वीमैन जो मैरिड वुमैन है अगर उसको कोई डिटेन करता है उसको ले जाता है और शादीशुदा औरत है वो तो उसका पति ये एफ लिखा सकता है चार सौ के अंतर्गत जिसमें दो वर्ष की सजा का प्रावधान है लेकिन ऐसा ले जाना ये क्रिमिनल इंटेंट के साथ होना चाहिए उसकी आपराधिक मंशा है तब ये अपराध श्रद्धि हो जाएगा नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर ट्वेंटी वन इसका संबंध है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू क्रिमिनल डिफेमेशन जो डिफेमेशन के अपराध हैं जिसमें किसी व्यक्ति को आपराधिक अपित्रास किया जाता है तो ये मामले उसमें आएंगे इसमें धारा 506 सौ जिसमें क्रिमिनल इंटीमिटेशन है ये किसी को अगर कोई धमकाता है उसको मारने का मृत्यु का भय दिखाता है तब इसमें दो वर्ष की सज़ा है पहले और अगर डेथ के कोई थ्रेड देता तो फिर सात वर्ष की सज़ा है लेकिन ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है धारा 507 और 506 ये दोनों ही आपराधिक अभित्रास से संबंधित हैं उसके बाद हमारे पास एक धारा जो सबसे ज़्यादा एन जिसमें लिखी जाती है ये धारा है 504 आईपीसी किसी भी व्यक्ति को लोक शांति भंग कराने के आशय से उसका अपमान करना उसको गाली गलौज करना ये धारा 504 आईपीसी में आ जाता है और इसमें अधिकांश जो एनसीआर हैं वो या तो 323 में लिखी जाती हैं या 504 में सबसे ज़्यादा संख्या अभी तक जो पुलिस में जो गैर दस्तानंदाजी अपराध असंग्य अपराध पंजीकृत किए गए हैं वो इन्हीं धाराओं में किए गए हैं उसके बाद जब मजिस्ट्रेट से अनुमति लेकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं तब या कोई मेडिकल के अंदर कुछ इस तरह की चोटें आती हैं जो गंभीर प्रकृति की हैं तब उसकी धाराएं ऑल्टर की जाती हैं लेकिन जो आरंभिक जो शुरुआत होती है वो इन्हीं धाराओं से होती है और इसमें एन की चिक काट कर दे दी जाती थी उसके बाद है 505 जिसमें अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट देता है कोई र्यूमर फैलाता है कोई अफवाह फैलाता है तो ये धारा पाँच में हो जाएगा और अगर कोई इसको सर्कुलेट करता है तो इसमें तीन वर्ष की सजा है ऐसी र्यूमर लोक शांति भंग करने के लिए हो सकती है तो इसमें अगर कोई व्यक्ति जो इस तरह की अफवाह फैला रहा है उसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति जाकर 505 पांच धारा के अंतर्गत इसमें अपराध पंजीकृत करा सकता है ये मिथ्या खतन करके या जनश्रुति के आधार पर इस आशय से फैलाता है कि विद्रोह हो जाए लोक शांति भंग हो जाए तब धारा 505 पांच सौ लगेगी जो कि एक नॉन कॉग्निजेबल धारा है धारा पाँच सौ ये डिफेमेशन है अगेंस्ट प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट मिनिस्टर गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी इन सबके विरुद्ध अगर कोई डिफेम करता है उनको कोशिश करता है तब ये अपराध पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो लोक अभियोजक है उसकी कंप्लेंट पर यह एक एन दर्ज की जा सकती है और इसका लेकिन जो इस केस को ट्राई करेगा वो कोर्ट ऑफ सेशन होगा सेशन कोर्ट में जाएगा अगर इन जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं इनके विरुद्ध किसी ने डिफेमेशन का कार्रवाई की है मानहानि की कार्रवाई की है तब पब्लिक प्रोसिक्यूटर इसको प्रोसिक्यूट कराएगा अन्य मामलों में अगर कोई और व्यक्ति है इन पदों से अलग तब उस मानहानि के मुकदमे में वो साधारण मजिस्ट्रेट के पास ही चलेगा लेकिन ये भी एक नॉन कॉग्निजेबल केस होगा इसी प्रकार से धारा 501 है 501 में भी अगर कोई डिफेम करता है किस तरह से प्रिंटेड मटीरियल से कोई एनग्रेव मटेरियल है या प्रिंटिंग की गई है ऐसा मटेरियल है उससे डिफेमेशन की कार्रवाई करता है किसकी भारत के राष्ट्रपति की उपराष्ट्रपति मंत्री एडमिनिस्ट्रेटर किसी यूनियन टेरिटरी के तो इन पदों की गर्मा के विरुद्ध अगर कोई मानहानि का कार्य करता है जो प्रिंटिंग रूप में है तब धारा 501 आईपीसी लगेगी जो कि एक नॉन कॉग्निजेबल धारा है लेकिन ये भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जो इनिशिएट करने पर ही एनसीआर लिखी जाएगी और उसके बाद ये सेशन कोर्ट में जाएगी यदि अन्य कोई व्यक्ति है उसकी मानहानि प्रिंटेड मटेरियल से एमरेव मटेरियल से की गई है तब इसमें तीन साल की सजा है और ये मजिस्ट्रेट के द्वारा ही ये ट्राई किया जाए अभी मैंने जो बताया है कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल केसेस अगर इन्वेस्टिगेशन की आदेश मजिस्ट्रेट दे देता है किसी भी नॉन कॉग्निजेबल केस में एनसीआर में तब उसमें वही सही पावर सारी पावर जो आईओ के पास आ जाती हैं जो एक कॉग्निजेबल केस में होती हैं सिवाय अरेस्ट के और उसके बाद में वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस रिपोर्ट सबमिट करता है जो कि चार्जशीट या एफ के रूप में हो सकती है फाइनल रिपोर्ट या चार्जशीट या पुलिस रिपोर्ट कह सकते हैं तो ये रिपोर्ट जब कोर्ट में जाती है तो उसके बाद की प्रक्रिया ये जो कोर्ट में प्रक्रिया होती है इसके बारे में हम नेक्स्ट नेक्चर में बताएंगे लेकिन ये प्रक्रिया लगभग दोनों की एक समान हो जाती है इसमें कुछ कुछ अंतर है दोनों में तो ये कोर्ट में क्या कार्रवाई होती है नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद